की तरह मौसम समाचारों के अपडेट पे बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में बारिश और वज्रपात की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में पड़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो मानसून की रफ्तार पड़ी है धीमी, दिल्ली और आसपास के राज्यों में बारिश में होगी देरी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने का असर अब दिखाई देने लगा है। कई राज्यों में कुछ दिनों से जारी बारिश के बाद अब एक बार फिर उमस भरी गर्मी सताने लगी है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने कहा है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के शेष बचे वहां पर मानसून की प्रगति धीमी रहने की संभावना है, क्योंकि बड़े स्तर पर मौसम की परिस्थितियां इनके बढ़ने के अनुकूल नहीं है। वही मौसम विभाग के मुताबिक संख्यात्मक प्रयोग के अनुसार हवा की गति को देखते ही यहां पर कहा जा सकता है कि जिस तरह का पूर्वानुमान पहले लगाया गया था उस समय वे बारिश की किसी भी तरीके से अनुकूल स्थिति का संकेत नहीं देता है। वही मौसम विभाग के मुताबिक पहले ये जानकारी दी गई है, पहले इस बात को यहाँ पर जानकारी दी थी कि पश्चिमी भी हवाओं का असर मानसून पर आज तक यहाँ पर बना रह सकता है, यानी 23 आज तक बना रह सकता है। यही कारण है कि राजस्थान, पंजाब के शेष हिस्सों और हरियाणा और दिल्ली में इस दौरान मानसून नहीं पहुँचने के आसार है। वही मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 26 और 30 के बीच धीरे धीरे मजबूत होने की उम्मीद है। इस दौरान वह उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर हिस्सों में पहुंच जाएगा। वह निजी मौसम विज्ञान विभाग की एजेंसी स्काईमेट वेदर के वैज्ञानिक महेश पालीवत ने कहा था कि दिल्ली में अपने तय समय यानी 27 के आसपास मानसून पहुंचने की उम्मीद है। इस दौरान दिल्ली में काफी बारिश का अनुमान जताया गया है। वही उत्तर प्रदेश में भी मानसूनी बारिश का दौर लगातार जारी है। यूपी के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। बीते 24 घंटों के अंदर पूर्वांचल में कहीं बारिश से हुई है तो कहीं मौसम यहां पर सुहाना बना रहा है। पश्चिमी यूपी में भी मौसम का ऐसा हाल देखने को मिला है। मौसम विभाग ने अगले एक दो दिनों तक पूर्वी यूपी में कहीं भारी तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई है। इसके अलावा बिहार में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बिहार के 6 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा झारखंड में भी लगातार बारिश का दौर जारी रहा है और राजस्थान में भी कई इलाकों में बूंदाबांदी का असर यहां पर देखने को मिल रहा है। कुछ इलाकों में मानसूनी बारिश हो रही है तो कुछ इलाकों में प्री मानसून की बारिश और तेज हवा के साथ बारिश देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं राज्यवार मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम समाचारों की, तो राजस्थान में आज भी मौसम रहेगा मेहरबान, कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश की है संभावना। राजस्थान में मौसम की मेहरबानी लोगों पर लगातार हो रही है, जिसके कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली हुई है। प्रदेश में मानसून की दस्तक से मौसम यहां पर सुहाना हो चुका है। वही हल्की से मध्यम बारिश तो कहीं कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी का दौर जारी है। आज भी यहां पर कुछ इलाकों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। वही मौसम विज्ञान विभाग केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश के आज 19 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के चलने की संभावना है। कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ बरसात बारिश की संभावना जताई गई है। इन जिलों में कहीं कहीं अचानक से यहां पर बारिश यहां पर हो सकती है। वहीं मौसम विभाग केंद्र के अनुसार यहां पर आज प्रदेश की जो गतिविधियां है बारिश की, इसमें यहां पर तेज बारिश का जो दौर है वो यहाँ पर कुछ तेज यहाँ पर रहने की संभावना है, यानी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना है। वही मौसम विभाग केंद्र जयपुर के अनुसार आज पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर, टोंक और सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा और उदयपुर, राजसमंद, सिरोही और भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिले में कहीं कहीं वज्रपात के साथ अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। जबकि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जोधपुर, नागौर जिलों में कहीं कहीं मेगा गर्जन के साथ वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना यहां पर जताई गई है। इसके अलावा मौसम विभाग की ओर से यहां पर आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश तो कुछ इलाकों में तेज बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। चलिए बात करते हैं अब झारखंड राज्य के मौसम समाचारों की, तो अगले 3 तक झारखंड में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड राज्य में पिछले 21 दिनों से मानसून की स्थिति अच्छी रही है, इसके कारण राज्य में करीब 104% ज्यादा बारिश हो चुकी है। इस समय अवधि में राज्य में 107.8 mm सामान्य बारिश रिकॉर्ड की जाती है, जबकि जून में 219 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वह राज्य में सर्वाधिक बारिश जामताड़ा में रिकॉर्ड की गई है। जामताड़ा में वास्तविक वज्रपात यहाँ पर जो वर्षा आता है वर्षापात यहाँ पर
439 mm रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इस अवधि में सामान्य से 125 mm बारिश यहां पर ज्यादा रिकॉर्ड की जाती है। वही मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि उत्तर प्रदेश पर बने चक्रवर्ती क्षेत्र का असर अब कम हो रहा है, इससे राज्य में बारिश में कमी देखने को मिल सकती है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में 24 जून तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा, इसके बाद बारिश में कमी आने की संभावना है। राज्य में मौसम 25 से बदलाव यहां पर देखने को मिलेगा, यानी 25 तारीख से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वही मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि राज्य में आज यहां पर विभिन्न इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की दर्ज यहां पर की जा सकती है। वही इस दौरान बर्फपात और मेगा गर्जन की संभावना भी यहां पर जताई गई है। राजधानी रांची में दिन में हल्की से मध्यम बादल यहां पर छाए रहेंगे, इसके साथ ही दिन में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मानसून सामान्य रूप से सक्रिय रहा है, इसके कारण विभिन्न जिलों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं कुछ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश पिछले 24 घंटों में 55.4 mm रिकॉर्ड जमशेदपुर में की गई है, जो सबसे ज्यादा है। वहीं जमशेदपुर में यहां पर तापमान भी 33.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम तापमान चाईबासा में 20 डिग्री दर्ज यहां पर किया गया है। अब बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम समाचारों की, तो बिहार में आज भी हो सकती है मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है इसको लेकर अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानियों का कहना है कि आज भी बिहार के अंदर बारिश में कुछ कमी आने की संभावना है, लेकिन बारिश यहां पर होती रहेगी। वही दक्षिण बिहार में बारिश अब कम होने लगेगी, वही उत्तरी बिहार में बारिश अभी जारी रहने की उम्मीद है। वही पटना मौसम विभाग केंद्र के मौसम विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि धीरे धीरे पश्चिम से हवा का जो आगमन है वो शुरू हो गया, इससे प्रदेश में बारिश में कमी आने लगेगी। वही राजधानी में 33.8 mm तक बारिश पिछले 24 घंटों में हुई है। वही मौसम काफी यहां पर सुहाना बना हुआ है, लेकिन दोपहर के बाद अचानक मौसम ने कल यहां पर करवट ली और 3 बजे के बाद झमाझम बारिश शुरू हुई और राजधानी में लगभग 1 घंटे तक यहां पर बारिश होती रही। वही मौसम विभाग ने 6 जिलों में आज बारिश की आशंका जताई है, जिसमें नालंदा, गया, सारण और जुमई जिले यहां पर है, इनमें अच्छी बारिश हो सकती है, पटना भी इसमें शामिल है। वही लगातार हो रही बारिश से राज्य के कई नदियां हैं, जो राज्य के अंदर नदियां हैं वो यहां पर उफान पर है। वही निचले इलाकों में पानी भर गया है। वही मोतिहारी, गोपालगंज समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पिलार यहां पर बनी हुई है। वही गंगा के किनारे यहां पर जो गंगा का जो गंगा नदी है वो खतरे के निशान से 86 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। वही पिछले 24 घंटों में 47 सेंटीमीटर का जलस्तर इसका बढ़ा है। वह पटना के बादुली गंगा घाट में पानी जो घाट था वो पानी के अंदर भर गया है। इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार गंगा का पानी ये यहाँ पर अब जो इसका जलस्तर है इसमें भी थोड़ी कमी आएगी। वही इलाहाबाद में गंगा का पानी कटने से जो जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है, इसका असर 70 घंटे बाद पूरी तरह से पटना में दिखने को मिलेगा, ये यहाँ पर बात कही गई है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की, तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने इसको लेकर जारी किया है अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून पल पल में अपना मिजाज यहां पर बदल रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मानसून आने के बाद राजधानी भोपाल समेत अनेक स्थानों पर बारिश का दौर जारी है। वही आज फिर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मानसून आने के बाद बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग के वैज्ञानिक पीके साहा ने कहा है कि प्रदेश में अभी लो प्रेशर का एरिया नहीं बन रहा है, इसके चलते तेज बारिश की संभावना बहुत कम है। हालांकि अरब और बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, इसके चलते अगले 24 घंटों में पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कोई भी सिस्टम सक्रिय नहीं होने से बारिश पर ब्रेक यहां पर लग गया है, धीरे धीरे यहां पर कम बारिश हो रही है। वहीं आज कम दबाव का क्षेत्र बनने से बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकता है। वहीं मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी यहां पर दी गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है और आज भी कुछ जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। आज जिन जिलों में 24 घंटों में बारिश के आसार जताए गए हैं उनमें रीवा, सागर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, चंबल, ग्वालियर और शहडोल और होशंगाबाद संभागों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है, तो कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का ये अलर्ट तो जारी किया है, लेकिन पिछले 24 घंटों में कुछ जिलों में जो बारिश हुई है उसके आंकड़े हम आपको यहां पर बता देते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश सतना में हुई है 39 mm, इसके बाद में उज्जैन में 2 mm, शाजापुर में 4 mm, खंडवा में 3 mm बारिश यहां पर रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में
इस वर्ष तय समय से पहले मानसून ने दस्तक दी थी, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में मानसूनी वर्षा का सिलसिला जारी है। वही वातावरण में नमी की वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश यहां पर हो रही है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जारी की है। चेतावनी, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हुई है। वही मौसम विभाग के अनुसार बलिया, कानपुर देहात, बिजनौर और प्रयागराज, कन्नौज, प्रतापगढ़ और अमेठी, शाहजहाँपुर, अमरोहा, बाराबंकी, देवरिया, वाराणसी सहित अन्य स्थानों पर पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। इस बीच वाराणसी संभाग, कानपुर, लखनऊ, झांसी और आसपास के इलाकों में तापमान में वृद्धि हुई है। राज्य में अधिकतम तापमान 39 डिग्री फतेहगढ़ में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 20 डिग्री नजीबाबाद में दर्ज किया गया है। वही मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के विभिन्न स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज और कल उत्तर प्रदेश के अगले अलग अलग स्थानों पर बारिश में बिजली के साथ साथ हल्की से गरज चमक के साथ यहां पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के मौसम समाचारों की। तो छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने इसको लेकर जारी किया है अलर्ट। छत्तीसगढ़ मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। बस्तर संभाग के उससे लगे जिलों में बारिश हो सकती है। वही भारी बारिश का मुख्य क्षेत्र मध्य छत्तीसगढ़ रहने की संभावना है। वही रायपुर मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने कहा है कि उत्तरी पश्चिमी बिहार और आसपास के इलाकों में एक चक्रवर्ती घेरा 3.1 किलोमीटर के स्तर पर बना हुआ है और पंजाब से उत्तरी पूर्वी बंगाल खाड़ी तक एक औसत समुद्र तट पर स्थित है। वही एक ऊपरी हवा का चक्रीय जो घेरा है वो बांग्लादेश और छठे पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर 2.1 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसी वजह से आज बस्तर संभाग और उससे लगे जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली पड़ सकती है। वही कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। ये मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। वही मौसम विभाग ने बताया है कि आज तो एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने और आकाश से बिजली गिरने की संभावना राज्य के अंदर है। प्रदेश में अधिकतम और यहाँ पर अधिकतम तापमान में गिरावट संभावित है। वही भारी वर्षा का क्षेत्र मध्य छत्तीसगढ़ रहने की संभावना है।